ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साई संदेश। हमारे मन के विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। किसी भी कार्य की नींव हमारे मन से होती है। अगर हम अपने मन को समझा लें तो इंसान कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। और हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी ज़रूर होती हैं। तो इस दुनिया में ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। और गलती इंसान से ही होती है, तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको स्वीकारना और माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई इंसान अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। उसकी कुछ खामियों को देखकर, कुछ गलतियों को देखकर अपना फ़ैसला नहीं सुनाना चाहिए, उसे गलत साबित नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान को वक्त और हालात बुरा बना देते हैं। जन्म से कोई भी बुरा बनकर इस दुनिया में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना देते हैं। लेकिन भ्रम हमें अपनों से ही दूर कर देता है और प्रेम गैरों को भी बांध लेता है। इसलिए जिस रिश्ते में भ्रम पैदा हो जाता है वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि रिश्ते प्रेम और विश्वास की डोर पर चलते हैं। और भ्रम करने वाले इंसान के लिए कहीं सुख और चैन नहीं होता है। वो लाख कोशिश करे लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ना तो सुख इस लोक में है ना उस लोक में है। इसलिए इंसान को कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हर किसी की छोटी छोटी बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाओगे तो जीवन भर रोते रह जाओगे। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जिस दिन इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लोगों का काम है कहना, जिसे जो कहना है वो कहता रहे। अगर लोग आपका अपमान करते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, तो वो अपने कर्मों का फल खुद भोग लेंगे, लेकिन आप अपना कर्म खराब मत कीजिए। ना तो हम हर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, ना ही हर किसी को खुशी दे सकते हैं। जब तक हम उनके ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं, जब तक हम उनके किसी काम के हैं, तब तक ही लोग हमें अहमियत देते हैं। जब इंसान खाली हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसे कचरे के डिब्बे में उठाकर फेंक देते हैं। इसलिए इंसान को अपने पास ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि लोग उससे जुड़े रहें। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तब भी लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, और अगर आप कामयाब ना भी हो पाए तब आपको ताने दे देकर जीने नहीं देंगे, क्योंकि लोग कभी किसी को खुश देख नहीं सकते। वो किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देते। इसलिए जो भी करना है अपने मन की खुशी के लिए करो, और जब इंसान का मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, तभी उसके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं, क्योंकि तनाव और परेशानी इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। कभी कभी इंसान सोच सोच कर छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेता है कि जिनका वास्तविक स्वरूप होता ही नहीं है। आप उनका कोई हल नहीं ढूंढ पाते, लेकिन अपना आज का सुख चैन सब कुछ खो बैठते हैं। और डर हमारा एक विचार है जो वास्तविक नहीं है। अगर आप लड़ने की हिम्मत करोगे तो आप डर को भी हरा दोगे। और जितना जल्दी हो सके इस डर को अपने मन से बाहर निकाल दें, वरना एक दिन ये डर ही आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। अपने जीवन के फैसले खुद लें, ये आपका जीवन है। लोगों की बातों से आपके मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मन है। अपने तरीके से जिए और हमेशा खुश रहें, और जितना हो सके दूसरों को प्रेम दें। जब हमारे हृदय में दूसरों से प्रेम करने की भावना और सबका भला करने की भावना जाग उठती है, तब हमारे जीवन में दुख खुद ब खुद कम होने लगते हैं और इंसान बहुत मजबूत होने लगता है। इसलिए जिस परेशानी को आप दूर नहीं कर सकते, आप लोगों की सोच और विचार को कभी बदल नहीं सकते,
तो इससे अच्छा है कि आप खुद को बदल लीजिए। आप इन सब बातों को सोचकर अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए, अपने जीवन की ओर ध्यान दीजिए। और किसी भी कार्य को खुशी के लिए तलाश करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन हर कार्य को खुश होकर करोगे तो खुशी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। तो वक्त सबका बदल जाता है, आज नहीं तो कल ये वक्त भी बदल जाएगा। और जब इंसान का वक्त बदलता है तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाता है। तो प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो गैरों को भी अपना बना लेता है। ताकत की ज़रूरत इंसान को तब होती है जब उसे कुछ गलत करना हो, बाकी सब तो प्रेम से पाया जा सकता है। जब पैर में ठोकर लगती है तो हम संभल कर चलना सीख जाते हैं, और जब मन को ठोकर लगती है तो हम संयम से जीना सीख जाते हैं। और खुश होकर रहना सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। अगर हम जीवन में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो हमारे लिए बहुत से नए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर हमेशा अपने दुख को याद करते रहेंगे, उसी के बारे में सोच विचार करते रहेंगे, तो वैसा ही हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। क्योंकि जिस विषय का, जिस विचार का हम चिंतन करते हैं, वही हमारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। इसलिए बुरे अतीत को कभी याद मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस वर्तमान में जियो। जो खुशी के पल हैं उन्हें बिना गवाए हर पल में छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करो, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही हमें जीवन जीना सिखाती हैं। कभी ज़्यादा खुश होने की बड़ी वजह हमें नहीं मिलती और हम छोटी छोटी खुशियों को भी गवा देते हैं। इसलिए अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद मत करें, हर कार्य को खुशी से करें तो आपको कामयाबी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखें, सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।